नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जहू एकेडमी में। मिशन एमपीपीएससी प्री 2019 को ध्यान में रखते हुए यह हमारी 8वीं टेस्ट सीरीज है। इसमें हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर बात करेंगे, जो एमपीपीएससी प्री के नेचर को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे सभी वीडियोज के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जेहू एकेडमी नाम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर एमपीपीएससी प्री 2019 को ध्यान में रखकर आकाश सर द्वारा डेली लाइव टेस्ट सीरीज लाई जा रही है, जिसका समय है सुबह 10 बजे और दोपहर में 1 बजे। आप ज़रूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट से आपको अपनी वास्तविकता का पता चलता है। साथ ही एमपीपीएससी प्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्ट से संबंधित क्लासेस रानी गुप्ता मैम द्वारा ली जा रही है, जिसमें मैम द्वारा बहुत ही सरल भाषा में आपके एक्ट को समझाया जा रहा है। अभी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कंप्लीट हो गया है। अगले 2 एक्ट और बचे हैं, वह भी जल्द ही मैम द्वारा कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आप एक्ट क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जल्द ही एमपीजीके और स्पोर्ट जीके की क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी। इसलिए अगर आप एमपीपीएससी प्री 2019 में पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। जिस किसी ने भी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वह सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारे सभी वीडियो पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 11वां संभाग कौन सा बनाए जाने का प्रस्ताव है। आपके ऑप्शन है छिंदवाड़ा, रतलाम, खंडवा या छतरपुर। इसका जो सही आंसर है वह रतलाम। तो रतलाम जिला, जो कि अभी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, जब यह संभाग बनाया जाएगा जैसा कि प्रस्तावित है, तो इसमें 5 जिले शामिल किए जाएंगे, जिसमें से 2 जिले इंदौर संभाग से शामिल होंगे और 3 जिले उज्जैन संभाग से शामिल होंगे। 2 जिले जो इंदौर संभाग से शामिल किए जाएंगे उनके नाम हैं झाबुआ और अलीराजपुर, और जो 3 जिले उज्जैन संभाग से शामिल किए जाएंगे उनके नाम हैं नीमच, मंदसौर और रतलाम। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का 11वां संभाग रतलाम बनाया जाएगा, जिसमें कि 5 जिले शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का महाकुंभ मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है पचमढ़ी, मांडू, उज्जैन या अमरकंटक। इसका जो सही आंसर है वह अमरकंटक। तो जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में 4 महाकुंभ आयोजित होते हैं। आपको पता होगा हिंदू धर्म में, जो कि क्रमशः अगर बात करें यह 4 कहाँ आयोजित होते हैं तो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदलकर हाल ही में इलाहाबाद किया गया है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली किन्नर विधायक मध्य प्रदेश के किस जिले से निर्वाचित हुई हैं। आपके ऑप्शन है कटनी, सागर, शहडोल या उमरिया। इसका जो सही आंसर है वह शहडोल। तो पहली किन्नर विधायक थी जिनका नाम था शबनम मौसी, और यह शहडोल जिले की सुहागपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुई थी। आपको बता दूं कि पहली महापौर, देश की पहली महापौर थी कमला जान, जो कि कटनी जिले से निर्वाचित हुई थी, कटनी नगर निगम। आपको पता होना चाहिए देश की पहली किन्नर विधायक और पहली किन्नर महापौर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सनसेट पॉइंट कहाँ है। आपके ऑप्शन है मांडू, खजुराहो, पचमढ़ी या सांची। इसका जो सही आंसर है वह पचमढ़ी। तो पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है, और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पदावली व मितावली नामक 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ हैं। आपके ऑप्शन है दतिया,
मुरैना, निवाड़ी या आगर मालवा। इसका जो सही आंसर है वह मुरैना। तो मुरैना में पदावली व मेदावली नाम के दो जुड़वा ऐतिहासिक स्थल हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ओरछा किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया या निवाड़ी। इसका जो सही आंसर है वह निवाड़ी। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी अलग किया गया है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है, इसलिए अब ओरछा निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और ओरछा राम राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, आपको यह पता होना चाहिए। तो आप अपडेट हो जाएं कि ओरछा अब टीकमगढ़ जिले में ना होकर निवाड़ी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है आगर मालवा, दतिया, हरदा या निवाड़ी। इसका भी सही आंसर है निवाड़ी। हाल ही में यह 52वां जिला बनाया गया है मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ से अलग करके, और यह क्षेत्रफल में साथ ही जनसंख्या में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इसके अंतर्गत 3 तहसील शामिल हैं, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, और ओरछा इसी के अंतर्गत आता है जो कि पहले टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है 41, 43, 44 या 45। इसका जो सही आंसर है वह 43। तो अभी जो वर्तमान में मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52, और निवाड़ी को 52वें जिले के रूप में बनाया गया है, 51वें जिले के रूप में बनाया गया था आगर मालवा को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी अन्य खंडपीठ किस जिले में खोले जाने का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शन है सागर, भोपाल, उज्जैन या छिंदवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वह भोपाल। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में स्थित है, और इसकी 2 अन्य अतिरिक्त खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थित है, जबकि तीसरी अन्य खंडपीठ भोपाल में खोले जाने का प्रस्ताव है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है राजगढ़, विदिशा, नरसिंहपुर या सिवनी। इसका जो सही आंसर है वह नरसिंहपुर, और यह 1992 में देश का पहला हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला बना था, आपको पता होना चाहिए कितने सन में। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि मध्य प्रदेश का साथ ही भारत का सबसे निरक्षर जिला है, आप कमेंट करके बताएं कि उस जिले का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, गोटमार प्रथा किस जिले में प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर या छिंदवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वह है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, और यहाँ एक पातालकोट स्थल है जहाँ भूरिया जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल सिलीमन के नाम पर शहर किस जिले में स्थित है? कर्नल सिलीमन, जिनको भारत में ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है, इनके नाम पर एक शहर है, वह किस जिले में? तो आपके ऑप्शन है सिवनी, डिंडोरी, उमरिया या कटनी। इसका जो सही आंसर है वह कटनी। कटनी में एक शहर है जिसका नाम है सिलीमनाबाद, आपको पता होना चाहिए सिलीमनाबाद, तो यह कटनी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काली मूछ के चावल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि काली मूछ के चावल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन नीमच, सीहोर, सिवनी या सीधी। इसका जो सही आंसर है वह सिवनी। सिवनी का एक शहर है लखनादौन, लखनादौन, यहाँ पर काली मूछ का चावल होता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको बता दूं कि सिवनी को ही मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेगा चक्र किस जिले में स्थित है?
आपके ऑप्शन है डिंडोरी, उमरिया, शहडोल या मंडला। इसका जो सही आंसर है वह मंडला। अगला क्वेश्चन है, आष्टा तहसील किस जिले में है? आपके ऑप्शन है विदिशा, रायसेन, सीहोर या राजगढ़। इसका जो सही आंसर है वह सीहोर। आष्टा से पार्वती नदी निकलती है, आपको पता होना चाहिए कि इससे पार्वती नदी निकलती है, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध तहसील है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उज्जैन, भोजपुर, खजुराहो या अमरकंटक। इसका जो सही आंसर है वह भोजपुर। भोजपुर जो कि भोपाल ज़िले में स्थित है, यहाँ पर राजा भोज द्वारा एक विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रजनीश का जन्म किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन है सीहोर, रायसेन, बुरहानपुर या मंदसौर। इसका जो सही आंसर है वह रायसेन। आचार्य रजनीश जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं, उनका जन्म रायसेन के एक जिला था कचवाड़ा। आपको गांव का भी नाम पता होना चाहिए, रायसेन का एक गांव था कचवाड़ा, इसमें उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रंगीन कपास का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? आपके ऑप्शन है खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन या बड़वानी। इसका जो सही आंसर है वह खरगोन। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ भी कहा जाता है और पूर्वी निमाड़ कहा जाता है खंडवा को, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पपोरा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है दमोह, दतिया, टीकमगढ़ या पन्ना। इसका जो सही आंसर है वह टीकमगढ़। बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और टीकमगढ़ जो कि हाल ही में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इस ज़िले से अलग करके एमपी का 52वां ज़िला बनाया गया है निवाड़ी, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, ट्री हाउस किस ज़िले में है? ट्री हाउस किस ज़िले में स्थित है? आपके ऑप्शन है रीवा, पन्ना, सतना या सीधी। इसका जो सही आंसर है वह है पन्ना। पन्ना जो कि हीरा उत्पादन के लिए पूरे देश में जाना जाता है और यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को जैजाग मुक्ति कहा जाता है? आपके ऑप्शन है टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी या छतरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह छतरपुर। चंदेल शासकों द्वारा यह नाम दिया गया था छतरपुर को जैजाग भुक्ति, और जो वर्तमान में इसका नाम है छतरपुर, यह राजा छत्रसाल के नाम पर हुआ था। एक राजा थे छत्रसाल, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था छतरपुर। पहले इसको जैजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था, और छतरपुर में ही आपको पता होगा कि खजुराहो जो विश्व स्थल है, विश्व विरासत स्थल, वह इसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, त्योंथर पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है मंदसौर, हरदा, शिवपुर या रीवा। इसका जो सही आंसर है वह रीवा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल शुगर मिल्स कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है विदिशा, भोपाल, राजगढ़ या सीहोर। इसका जो सही आंसर है वह सीहोर। कई लोग कन्फ्यूज होंगे कि इसका नाम जैसे भोपाल शुगर मिल्स है, इसलिए इसका आंसर भोपाल होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर है सीहोर, क्योंकि यह सीहोर ज़िले में स्थित है शुगर मिल्स। अगला क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मंदसौर, नीमच, कटनी या सिवनी। इसका जो सही आंसर है वह मंदसौर। विश्व का जो एकमात्र पशुपति नाथ का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है, वह नेपाल जिले नेपाल देश में स्थित है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और यह मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मंदसौर में, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि जामगोद रानी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है धार, देवास, इंदौर या भोपाल। इसका जो सही आंसर है वह देवास। तो इसी के साथ हमारे यह 25 MCQ समाप्त होते हैं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक ऊर्जा मिलती है और हम एक नई ऊर्जा के साथ आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लाते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर आप हमारे सभी वीडियोज़ की PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप लाइव टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़ें, जिसका टाइम है 10:00 और दोपहर में 1:00। आकाश सर द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए 25 क्वेश्चन लाए जाते हैं, जिसको बहुत ही विस्तार से समझाया जाता है, जिसमें आपको और अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। तो ज़रूर जुड़ें हमारी टेस्ट सीरीज से, साथ ही हमारी क्लासेस का भी लाभ उठाएं, रानी मैम द्वारा एक्टिव क्लासेस का और मेरे द्वारा जल्दी MPGK और स्पोर्ट GK की क्लासेस लाई जाएंगी। आपके सभी जो सिलेबस है जो फ्री का, वह पूरा कवर करा दिया जाएगा आपके नोटिफिकेशन के पहले और उसके बाद में, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।